सो ऑलराइट गाइस, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, और वो बोल रहा है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इन चारों में से किसके वैल्यू से मैच होगा। ओके सो आओ इसको पहले सिंपलीफाई करके देखते हैं प्यार से क्या हमारा इसका एक्चुअल आंसर आ रहा है। सो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके सो चलो आओ वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 इज 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan 30 इज 1 अपॉन √3 एंड 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय इसको 2 अपॉन √3 लिख सकते हैं अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। ओके एंड √3 का स्क्वायर इज √3। ओके √3 का स्क्वायर विल बी 3। ओके अब नीचे एलसीएम ले लेंगे इसको 1 बना लेते हैं। ओके सो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 के अपॉन में, देखो इसके अपॉन में 3 एलसीएम आ गया तो 1 3 जा यानी 3 1 जा 1 3 जा एंड 3 अगेन सो 1, समझ रहे हो ना, 3 1 जा 3 हो गया एलसीएम, सो 1 3 जा तो 1 3 जा 3 3 1 जा सो 1 1 जा यहां पे 1 लिख दिया हमने। सो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन में 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, देखो ये डिवीजन फॉर्म में हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 छोटा लिख दे रहा हूं 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। ओके जब हम तो ये 2 से 2 कट गए, अब देखो एक केस मैंने इसके पहले भी बताया था ये वाला, ओके कि अगर आपके पास 3 अपॉन √3 है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 के अपॉन में √3, एक 3 एक 3 कट गया तो जो बचेगा वो सिर्फ √3 है, तो वही केस यहां पे भी हो रहा है, यहां पे हमारे पास √3 बचेगा तो हमारा जो फाइनल आंसर है एक्चुअली वो √3 बचा हुआ, जो इसका फाइनल आंसर आया है हमारा, जो इस पूरे इक्वेशन का फाइनल आंसर आया है वो है √3। अब देखना हमें ये है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू √3 होती है। ओके सो cos 60 की क्या वैल्यू है 1/2, काम का नहीं है। sin 60 की वैल्यू √3/2, ये भी काम का नहीं है। tan 60 की वैल्यू √3, देखो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके ये हमारा परफेक्ट और करेक्ट ऑप्शन है, आपको समझ में आया होगा आपको। ओके √3 आया है आंसर, और फिर हमने देखा कि tan 60 की वैल्यू, सो इसका ऑप्शन सी वाला आंसर है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके